यदि तुम एकाग्रचित हो सको अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है चाहे जितनी पीड़ा हो यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना तो सक्सेसफुल बनना किसको अच्छा नहीं लगता सक्सेस सबको चाहिए लेकिन सक्सेस कैसे चाहिए कुछ स्ट्रैटेजी है हमको फॉलो करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए लेकिन ये स्ट्रैटेजीज है क्या दोस्तों आज इसी बारे में हम बात करेंगे लेकिन कोई मेयर स्ट्रेटजीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे बात करेंगे चाणक्य नीति के बारे में दोस्तों चाणक्य कौन थे चाणक्य हमारे इतिहास की इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही नॉलेजेबल वेल स्किल्ड पर्सन थे जो अकेले चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किए थे नंद डायनेस्टी को हरा के वहाँ पर अपना मौर्य डायनेस्टी बनाने में दोस्तों ये डायनेस्टी हमारी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट डायनेस्टी थे जो मेनली तैयार हुआ था चाणक्य नीति के ऊपर ही दोस्तों ये नीति क्या है यही हम आज देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजीज़ के साथ सबसे पहला स्ट्रैटेजी मूर्ख बनो दोस्तों मूर्ख बनो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह पे मूर्ख बन के बैठे रहोगे लेकिन हाँ कुछ सिचुएशन में आपको मूर्ख बन के रहना है कैसे जैसे कि अगर आपके चारों ओर बहुत सारे मूर्ख हैं और आप उनके सामने खुद का नॉलेज पेश करना चाहते हो तो वो मूर्ख कभी आपके बात नहीं मानेंगे इसका मतलब ये होगा कि आप जो भी बोलेंगे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको भी क्या करना है उनके तरह ही मूर्ख बन जाना है और वो जो बोल रहे हैं उसको सपोर्ट करना है नहीं तो चुप रहना है वहाँ पे कैसे आप रिएक्ट रिएक्ट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और एक जगह जगह जब आप कुछ सीख रहे हो कुछ टीचिंग आपको दिया जा रहा है तब अगर पहले से आप सोच लो कि ये मुझे पता है तो आप कभी भी उससे नहीं सीख सकते इसीलिए जब आप कुछ नए सीख रहे नया सीख रहे हो तब हमेशा ध्यान में रखिए कि ये चीज़ हमको नहीं आता और इससे आपको क्या होगा ईजी हो जाएगा वो चीज़ आपको समझने में और नॉलेज तैयार होने में सेकेंड पॉइंट नो योर स्ट्रेंथ दोस्तों खुद का स्ट्रेंथ जानने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल स्ट्रेंथ जानें मेंटल स्ट्रेंथ की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे लेकिन वो दिखने में उतना अच्छा नहीं थे जो वो खुद एक्सेप्ट कर चुके थे लेकिन नंद राजा ने उनको ये बताया था कि एक लोग एक पर्सन जो दिखने में इतना खराब है उनका नॉलेज उससे भी खराब होगा ये बहुत ही नेचुरल बात है ये अपमान उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ठान लिया था कि उनको रिवेंज लेना है लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ जानते थे उनको पता था कि उनके पास बहुत नॉलेज है लेकिन वो अकेले नंदा डायनेस्टी को हरा नहीं सकते ख़त्म नहीं कर सकते इसी टाइम उनको पता चला था एक हंटर के पास एक राजा का बेटा पल रहा है उनको ये पता चला उनको ये समझ में आ गया कि यही वो राजा होगा यही राजा का बेटा वही होगा जो नंद डायनेस्टी को हराने में चाणक्य की मदद में आएगा तो दोस्तों ऐसे रिजल्ट क्या हुआ चंद्रगुप्त मौर्या नंदा डायनेस्टी को खत्म किया और मौर्यन डायनेस्टी वहाँ पे तैयार हो गया थर्ड पॉइंट पे आते हैं नो योर कम्फर्ट जोन दोस्तों कम्फर्ट जोन वो एक जगह होता है जहाँ से बाहर जाने में हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है आउट ऑफ कम्फर्ट हम कुछ भी नहीं करना चाहते मान लीजिए मैं आ, आपको दो घंटा दिया गया है और आपको बोला गया कि इस दो घंटे में आइधर आप मूवी देखेंगे नहीं तो आप कोई नॉलेजेबल काम करेंगे या फिर स्टोरी बुक पढ़ेंगे नॉलेजेबल काम के अंदर ही ये पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादातर पर्सन आउट ऑफ हंड्रेड परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट सेलेक्ट करेंगे मूवी देखना क्योंकि वो एक कम्फ़र्ट जोन है वो करके कुछ ही टाइम के लिए एक अच्छा खासा एक अच्छा मूड तैयार हो जाता है लेकिन अगर उसी जगह पे स्टोरी बुक या फिर नॉलेजेबल काम किया गया होता तो फ्यूचर में वो एक प्रॉफिट देता दोस्तों कंफर्ट जोन में रह के फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है जब भी आप ख़ुद का जो कंफर्ट जोन है जिसके बाहर आप जाने में डरते हो जो काम करने में आप डरते हो वही काम आप कीजिए वो काम बार 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 ट्राई करके ही आप उनमें सक्सेसफुल हो सकते हो और इसी तरह अगर चंद्रगुप्त मौर्य ठान लेते कि वो ये काम नहीं कर पा पाएंगे ये डायनेस्टी वो नहीं खराब कर पाएंगे तो चाणक्य कितना भी चाणक्य की नीति उनके पास हो ना क्यों वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे इसीलिए उन्होंने कंफर्ट जोन से बाहर आया और उनके लिए सक्सेसफुल उनके पीछे पीछे आ गया फोर्थ पॉइंट नॉलेज इज़ द की दोस्तों नॉलेज ही वो मेन स्ट्रेंथ है जो एक पर्सन को एक बहुत ही छोटे जगह से बहुत ही बड़ी जगह पे ले जाते हैं दोस्तों जब भी पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अटैक किया था पाटलिपुत्र पे जो कैपिटल थे नंदा डायनेस्टी के तब वो लोग हार गए थे उस हार को उन्होंने एक ऐसा नॉलेज लिया था फेलियर नहीं लिया था हमको भी लाइफ में कोई भी हार को ऐसा फेलियर नहीं लेना है उससे सीखना है फिर से ट्राई करना है जो गलती हम पहले कर चुके हैं उसको अवॉइड करना है वही नहीं कर वो नहीं करना है जब भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य पाटलिपुत्र आक्रमण किए थे और वो लोग हार गए थे तो सराउंडिंग जो विलेजेस है वहाँ के वहाँ पे वो लोग छुपे हुए थे और तभी एक मदर और एक उनके बच्चे की एक कॉन्वर्सेशन उन, को सु, सुनने में आया जहाँ पे बच्चा क्या किया था उनका जो फूड था उसके पास जो फूड दिया गया था उसका सिर्फ बीच पार्ट उ, उन्होंने खाया था बाकी जो सराउंडिंग पार्ट था वो उन्होंने वो बच्चा खाया नहीं था तो मम्मी ने उनको बोला कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य की तरह काम कर रहे हो तभी चाणक्यों को ये पता चला उनको ये नॉलेज आया कि वो लोग पहले ही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जहां पे है पाटलिपुत्र पे आक्रमण किए हैं देखिए दोस्तों सराउंडिंग जो विलेज थे जो विलेजर्स थे जो वहां के सिटीजन थे उनको नांदा डायनेसी के जो राजत्व था वहां से छुटकारा मिलना था उनको तो वो इजीली मौर्य डायनेसी को एक्सेप्ट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य को एक्सेप्ट किए थे ये जो कॉन्सेप्ट है ये चाणक्य को पता चल गया था उसी कॉन्वर्सेशन के थ्रू इसीलिए दोस्तों छोटी से छोटी चीज से भी हम लोग सीख सकते हैं सीखना कहीं से भी होते हैं अगर आप अपना नॉलेज आप अपना नाक कान खुला रखते हो तो आपको इजीली नॉलेज तैयार हो जाएगा लास्ट पॉइंट लास्ट स्ट्रेटजी दैट इज़ फॉलो योर धर्मा दोस्तों यहाँ पे धर्मा मतलब कोई धर्म नहीं है कोई रिलीजन नहीं है ये एक पर्पस है धर्मा का मतलब होता है एक पर्पस लाइफ में एक एम सेट करना होता है कि उस एम को हमें फुलफिल करना है लेकिन लाइफ में सिर्फ एक ही एम नहीं रहता है सेवरल स्टेप्स पे आपका डिफरेंट डिफरेंट एम होगा एक स्टेप पे आप हो वहाँ पे आपका एम अलग होगा उसके बाद एक एम होगा दोस्तों जो लोग एक एम लेके चलते हैं उनका सक्सेस का रेट 85 टू 90 परसेंट या फिर उससे भी ज़्यादा होता है जो एम एक लेसली एक और पे चलते हैं या फिर दूसरे ओर पे चलते हैं आ वो भटक जाते हैं नहीं तो 40 परसेंट उनमें से होते हैं जिनको सिर्फ सक्सेस मिलता है वो वे फुल सक्सेस नहीं मिलता है दोस्तों चाणक्य एक स्ट्रैटेजिक पर्सन थे उनको स्ट्रैटेजी के फॉलो करना उनको अच्छा लगता था वो चाहते थे एक स्टेबल इकोनॉमी और वही जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य चाहते थे अपना जो राज्य है साम्राज्य है उसको एक्सपैंड करना ये दो स्ट्रैटेजी एक के साथ और एक जुड़ के एक ऐसा साम्राज्य हमारे इंडिया पर बनाया था मौर्य साम्राज्य जो हमारे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिश्ड साम्राज्य थे उस टाइम हमारे इंडिया का जो ट्रेड था वो बहुत अच्छा चल रहा था हमारे इंडिया की इनकम भी नेशनल इनकम बहुत हाई था और उसके साथ एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ऑल ओवर द इंडिया था जो हम सब चाहते हैं अभी दोस्तों ये था कुछ स्ट्रैटेजीज़ जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को लर्न करने के मतलब ये नहीं है कि मैं आज ही इसको कि कल ही मुझको सक्सेस मिल जाएगा इसको प्रैक्टिस करना होता है जितना जल्दी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे सक्सेस आपके पास उतना ही ज़्यादा आएगा और आपको फोकस रहना होगा आप अपने सक्सेस के ऊपर आप क्या चाहते हो इसको आपको पहचानना होगा तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ आपकी कमेंट हमें चाहिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन को हिट करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए बस आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच